दोस्तों आपने EDC के बारे में बहुत सुना होगा बहुत सारी वीडियोस के अंदर, लेकिन EDC किस तरीके से काम करता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। EDC की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम। ये जो है बेसिकली एक छोटा कंप्यूटर होता है जो हमारे मेन ECU के साथ एक स्लेव ECU की तरह काम करता है, जो हमारे ECU से जो है कमांड या फिर उसको जो है कमांड देता भी है। तो EDC जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारे डीजल पार्ट के लिए होता है। तो इसका काम होता है कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को जो है वो मेंटेन करके रखे और इंजन के अंदर जो है उतना ही कम्बशन करे जिससे जो है प्रॉपर इमिशंस जो है हमारी व्हीकल के अंदर निकले। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि EDC की रिक्वायरमेंट आई क्यों। तो अगर मैं EDC के बारे में बात करूँ तो जैसा हमें पता है कि BS6 के अंदर या फिर मैं कहूँ हमारे आने वाले जितने भी BS नॉर्म्स होंगे उनके अंदर जो है हम पॉल्यूशन नॉर्म्स को कम करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन जो निकलता है हमारी व्हीकल जो होती है वो हमारा डीजल इंजन होता है और डीजल कार्स होती हैं। तो इनके अंदर जो है हम EDC सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके अंदर हम क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ जो फ्यूल है उसको जो है मेंटेन कर सके। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे इंजेक्शन सिस्टम के अंदर या फिर मैं कहूँ हमारे फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर तीन तरीके के जो है सॉलोनॉइड सिस्टम के अंदर इंजेक्शंस होते हैं और 6 तरीके के इंजेक्शंस होते हैं हमारे पीजो इलेक्ट्रिक में। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली पूरा सिस्टम कंट्रोल होता है हमारे EDC से। अगर मैं बात करूँ कितना क्वांटिटी ऑफ फ्यूल हमें कोल्ड कंडीशंस के अंदर चाहिए, ये भी जो है हमारा कंट्रोल करता है EDC। कितना टेम्परेचर रहना चाहिए इंजन का, उसके हिसाब से कितनी फ्यूल क्वांटिटी जानी चाहिए, वो भी कंट्रोल करता है हमारा EDC। और हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे पूरे कंपोनेंट के अंदर या फिर पूरी व्हीकल के अंदर जिससे उसको कोलैबोरेटिवली वर्क करना है, ताकि व्हील स्पिन ना हो, ताकि इंजन का टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमें प्रॉपर इमिशंस मिलती रहे, और जितने भी हमारे आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स हैं जिनको हमने इमिशंस कम करने के लिए लगाया है, उनकी रीजनरेशन के लिए टेम्परेचर कब बढ़ाना है, कब उसके अंदर रिटार्ड इग्निशन करनी है, इन सब चीज़ों के लिए जो है बेसिकली हमने जो है EDC का इस्तेमाल किया। तो अब अगर मैं बात करूँ इसके ऑपरेटिंग कंडीशंस के बारे में, तो ऑपरेटिंग कंडीशन जैसा आप लोगों को पता है कि इंजन जो है एक कंडीशंस के अंदर, एक आइडियल कंडीशंस के अंदर नहीं चल सकता। उसके अंदर जो है अलग अलग रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज आया EDC सिस्टम के अंदर वो ये था कि ड्राइवर जो है वो खुद से जो है अपने फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस तरीके से हमारे जितने भी पंप पहले इस्तेमाल होते थे डीजल इंजन में, PE हो गया, VE हो गया, PF पंप्स हो गए, तो ये सारे पंप्स के अंदर जो है हम एक्सेलरेशन पेडल से, केबल से जो है फ्यूल क्वांटिटी, फ्यूल इंजेक्शन को जो है हम कंट्रोल करते थे। लेकिन अब जो है EDC सिस्टम के अंदर ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है सेंसर कंट्रोल हो चुका है। इसके अंदर जो है हमारा EDC जो है बहुत सारे सिस्टम के साथ कोलैबोरेटिवली वर्क करता है, और इसके अंदर क्या इंजन का स्टेटस चल रहा है, किस तरीके का टेम्परेचर है, हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल से क्या सिस्टम आ रहा है, क्या सिग्नल्स आ रहे हैं, उसके बाद हमारा जितने भी ट्रांसमिशन कंट्रोल है कौन सा गियर मेंटेन करना है, किस तरीके की फ्यूल इकोनॉमी मेंटेन रखनी है, किस तरीके का फ्यूल इंजेक्शन करना है, ये सब चीज़ें जो है हमारा EDC बेसिकली इस पूरे कॉन्सेप्ट में करता है, ताकि जितने भी इमिशंस हैं उनको हम कम कर सकें, हमारी व्हीकल जो है एक आइडल कंडीशंस के अंदर चले। तो ये सारी चीज़ों को जो है बेसिकली EDC जो है मेंटेन करके रखता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके मेन कंपोनेंट्स के, मेन सिस्टम की, तो इसके अंदर हमारे तीन तरीके के सिस्टम्स आते हैं। तीन तरीके का सिस्टम इसके अंदर में हमने डिपार्ट रखा है। एक सेंसर एंड सेट पॉइंट्स जो बेसिकली हेल्प करता है हमारे इनपुट सिग्नल्स के आने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स और बहुत सारे स्विचेस जो हैं कोलैबोरेटिवली वर्क करते हैं, वो हमारे ECU को जो है कमांड देते हैं। कमांड किस तरीके से देते हैं, वो जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है बेसिकली हमारे ECU के अंदर जाता है। अब वहाँ से जो है ECU देखता है कि क्या कमांड्स आ रहे हैं, किस तरीके की उनकी मैपिंग हुई हुई है, क्या उसके अंदर हमने लुकअप टेबल्स डाल रखे हैं। तो उन सब चीज़ों को करने के बाद जो है वो आगे हमारे एक्चुएटर्स को कमांड करता है कि इस हिसाब से फ्यूल जाना चाहिए, इस हिसाब से अगर व्हील स्पिन हो रहा है तो उसके अंदर ब्रेक सप्लाई होते रहने चाहिए, फ्यूल क्वांटिटी को कम करना चाहिए, ट्रांसमिशन ये हमारे पास कमांड देता है। इन सब चीज़ों को जो है बेसिकली ECU आगे एक्चुएटर्स को कमांड देता है, जहाँ से हमारे जितने भी तरीके के एक्चुएटर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल होते हैं या बाकी जितने भी होते हैं, वो सबको जो है वहाँ पे कंट्रोल करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये EDC के ऊपर छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसकी वर्किंग अच्छी लगी, इसकी पूरी वीडियो में आपको कुछ समझ में आया और आपको इसके ऊपर कोई ब्लॉग पढ़ना है, तो उसका भी जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप जो है और अच्छे से समझ सकें और अच्छे से जान सकें। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, क्योंकि हर हफ्ते ही जो हम यहाँ पे ऐसी वीडियोज डालते रहते हैं।